चलिए आज आपको ह्यूमन ब्रेन यानी मानव मस्तिष्क से जुड़ी कुछ ऐसी अद्भुत फैक्ट्स के बारे में बताते हैं जो आप शायद नहीं जानते होंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। पर वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको आगे आने वाली इंटरेस्टिंग नॉलेज से भरपूर वीडियो की एक भी कड़ी मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं फैक्ट नंबर वन। दोस्तों हमारे मस्तिष्क की स्टोरेज क्षमता करीब करीब 2.5 पेंटाबाइट यानी करीब 2500 टेराबाइट अर्थात 25 लाख GB के बराबर होती है। अगर आप जिंदगी भर हर एक सेकंड में 10 बातों को याद रखते हुए पूरी जिंदगी जी लेंगे फिर भी मस्तिष्क का आधा भाग ही यूज हो पाएगा। इस तरह हम कह सकते हैं कि हमारी कैपेसिटी की अपेक्षा हमारे मस्तिष्क की स्टोरेज क्षमता अनंत होती है। मतलब हमारा दिमाग हमारे मोबाइल फोन और कंप्यूटर की तरह कभी ये नहीं कहेगा कि मेमोरी फुल हो गई, चाहे आप जितना भी स्टोर कर लो। फैक्ट नंबर टू। अगर शरीर के आकार से सभी जीवों के बीच तुलना की जाए तो मनुष्य का दिमाग किसी भी प्राणी की अपेक्षा उसके शरीर के अनुपात में बड़ा होता है। हाथी के दिमाग का आकार उसके शरीर के अनुपात में सिर्फ 0.15% ही होता है, परंतु हमारा दिमाग हमारे शरीर के अनुपात में हमारे शरीर का करीब 2% के बराबर होता है। परंतु आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि हमारे भोजन द्वारा लिए गए ऊर्जा का करीब 15% हमारा ब्रेन अकेले यूज करता है। साथ ही साथ हमारे शरीर में उपस्थित कुल 5 से 6 लीटर ब्लड का करीब 20% हिस्सा हमारा दिमाग अकेले यूज करता है। इंटरेस्टिंग फैक्ट नंबर थ्री। हमारा दिमाग 40 साल की उम्र तक बढ़ता है। वैसे तो देखा जाए तो उसमें आजीवन बदलाव होते रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम जब भी कुछ नया देखते हैं, कुछ नया सीखते हैं, कुछ नया करते हैं, हमारे मस्तिष्क में उपस्थित तंत्रिका कोशिकाएं जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं अपने में एक नया बदलाव लाती हैं और दिमाग की संरचना चेंज हो जाती है। फैक्ट नंबर फोर। हमारे शरीर में करीब 60% चर्बी होती है, अर्थात शरीर के किसी भी अंग के मुकाबले सबसे ज्यादा चर्बी होती है। फैक्ट नंबर फाइव। क्या आपको पता है कि हमें बचपन की बातें क्यों याद नहीं रहती? नहीं तो चलिए मैं बताता हूँ। हमारे मस्तिष्क का एक भाग होता है जिसका नाम हिप्पोकैम्पस होता है, जो हमारे बाल्यावस्था में विकसित नहीं हुआ रहता है, जिसकी वजह से हमें बचपन की बातें याद नहीं रहती। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर मानव मस्तिष्क से हिप्पोकैम्पस को निकाल दिया जाए तो हमारी याददाश्त शून्य हो जाएगी। दुर्घटना होने पर हिप्पोकैम्पस डैमेज होने के कारण ही मनुष्य की याददाश्त चली जाती है। फैक्ट नंबर सिक्स। छोटे बच्चे ज्यादा सोते हैं। हर लोगों के मन में ये बातें आती हैं तो इसका कारण क्या है? तो चलिए मैं बताता हूँ इसका कारण क्या है। छोटे बच्चे का दिमाग उनके शरीर द्वारा बनाए गए ग्लूकोज का लगभग आधा भाग यानी 50% यूज कर लेता है, जिससे उन्हें थकावट ज्यादा होती है और वो जल्दी सो जाते हैं और थोड़ा ज्यादा भी सोते हैं। फैक्ट नंबर सेवन। अगर किसी मनुष्य ने पिछली रात शराब पी थी और अब उस व्यक्ति को कुछ भी याद नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वो मनुष्य उस रात की सब बातों को भूल चुका है, बल्कि ज्यादा शराब पीने के कारण मस्तिष्क के याद करने की क्षमता कम हो जाती है। मतलब ज्यादा शराब पीने के बाद दिमाग को कुछ भी याद नहीं रहता। फैक्ट नंबर एट। एक दिन में हमारे मन में करीब 70,000 विचार आते हैं, जिनमें करीब 70% विचार नेगेटिव होते हैं। फैक्ट नंबर नाइन। अगर हम अपने शरीर के सारे जीन्स को 2 भागों में बांट दें तो आधा जीन अकेले दिमाग से संबंधित होता है तथा आधा बचा जीन हमारे पूरे शरीर की जानकारी देता है। फैक्ट नंबर टेन। जब हमें कोई इग्नोर या रिजेक्ट या इवन किसी भी प्रकार से हर्ट करता है तो हमारे दिमाग की फीलिंग वैसी ही होती है जैसा हम इंजर्ड होने पर यानी चोट लगने पर महसूस करते हैं। फैक्ट नंबर इलेवन। जिस घर परिवार में ज्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं उस घर के बच्चों के दिमाग पर वैसा ही प्रभाव पड़ता है जैसा प्रभाव युद्ध के समय युद्ध के सैनिकों के दिमाग पर पड़ता है। तो अगर आप भी घर में लड़ाई झगड़े करते हैं तो उसे आज से ही बंद कर दें ताकि इसका बुरा प्रभाव आपके घर के बच्चों पर ना पड़े। फैक्ट नंबर 12। टीवी देखते समय मनुष्य का दिमाग एक ही जगह स्थिर होता है, मतलब बहुत कम प्रयोग होता है। यही वजह है कि बच्चों के ज्यादा टीवी देखने से बच्चों का दिमाग कम विकसित होता है। बच्चों का दिमाग रैंडम काम करने से ज्यादा विकसित होता है क्योंकि हर बार कुछ नया होने से वो ज्यादा कल्पना करते हैं और ज्यादा कल्पना करने के कारण वो ज्यादा सीखते हैं, जिससे दिमाग ज्यादा विकसित होता है। अगर आपको भी अपने घर के बच्चों को ज्यादा तेज बनाना है तो उसका टीवी देखना आज से ही कम कर दीजिए। फैक्ट नंबर 13। कम सोने के बाद भी अगर हम खुद को मना लें कि हमने आज अच्छी नींद ली है तो हमारा दिमाग इसे मान लेता है। मतलब यह कि अगर हम अपने दिमाग को बार बार कोई एक ही बात समझाते हैं तो वह उसे मान लेता है। फैक्ट नंबर 14। बाइक राइडिंग के समय हेलमेट पहनने के बाद भी एक्सीडेंट होने के बाद चोट लगने की संभावना लगभग 80% होती है। कहने का मतलब यह है कि हेलमेट हमारे दिमाग को लगभग 20% ही सुरक्षित कर पाता है। तो आज के बाद हेलमेट पहनकर कभी भी निश्चित न रहें कि हमारा दिमाग पूरी तरह से सुरक्षित या सेफ्टी है। सेफ्टी का सबसे अच्छा साधन यही है कि बाइक हमेशा सामान्य स्पीड में और कौशली ही चलाएं। फैक्ट नंबर 15। किसी भी तनावपूर्ण स्थिति के अचानक आने से हमारे दिमाग के सोचने समझने तथा निर्णय लेने की क्षमता कम हो जाती है। चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जब आप रोड क्रॉस कर रहे होते हैं और अचानक से कोई गाड़ी आ जाती है तो हमें टेंशन होने लगती है और इस वजह से हमें समझ नहीं आता कि किस ओर जाना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें।